मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राजधानी एक्सप्रेस पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पथराव करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक 55 वर्षीय महिला की आंखों पर पत्थर लगने से गंभीर रूप से महिला घायल हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कल्याण में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुबह के समय आंबेवली रेलवे स्टेशन के पास नांदेड़ से मुंबई आ रही राजरानी एक्सप्रेस पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पथराव किया है। इस पथराव में एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक महिला घायल हो गई है, जिसका इलाज कल्याण के रुक्मणी बाई अस्पताल में चल रहा है। महिला का नाम रखमा बाई पाटिल 55 वर्षीय बताया जा रहा है। महिला के आंखों पर पत्थर लगने की वजह से ये महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। आपको बता दें कि रेलवे में इसी जगह पर अनेक चोरी की घटनाएं हुई हैं। कल्याण के समीप अंबेवली में ईरानी बस्ती नामक एक परिसर है और यहां चोर लुटेरे बड़ी संख्या में रहते हैं। यह पथराव भी अंबेवली शहाट रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। चोरी और लूटपाट के इरादे से यह पथराव किया गया है, ऐसा आकलन लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद कल्याण रेलवे पुलिस द्वारा तहकीकात शुरू कर दिया गया है और यात्रियों की ओर से भी मांग हो रही है कि रेलवे पुलिसों को अब कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि चलती हुई ट्रेनों पर पत्थरबाजी का मामला काफ़ी सामने आ रहा है। मॉर्निंग की अब की राज्यरानी एक्सप्रेस जो है 8:30 बजे के आसपास अंबेवली और शहाड़ के बीच में अननोन पर्सन ने गाड़ी एक्सप्रेस के ऊपर पत्थर फेंकने की वजह से महिला नाम है रत्नाबाई पाटिल, ये इनके भाई आँख को दुखापत हुई है, उनके ऊपर ईशा नेत्रालय हॉस्पिटल यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है। आगे की कार्रवाई के लिए हमारे स्टाफ जो है हॉस्पिटल में उनको अटेंड कर रहे हैं और उनका स्टेटमेंट लेके आगे की कार्रवाई की जाएगी।